वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिजनेस मैथमेटिक्स? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिजनेस मैथमेटिक्स क्या है। बिजनेस मैथ इज अ मैथमेटिक्स यूज्ड बाय कमर्शियल एंटरप्राइजेज फॉर रिकॉर्ड एंड मैनेज बिजनेस ऑपरेशंस। सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का बिजनेस में इस्तेमाल करना, डेली बेसिस पे कैलकुलेशंस में प्रोडक्ट की प्राइसेस देखना, स्टॉक कितना है हमारे पास अवेलेबल, कितना है स्टॉक और मार्केट में कितना लॉन्च करना है, स्टॉक प्रोडक्शन कितनी करनी है, कितनी बनानी है प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, तो इन सारों का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह करना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कितनी कितना इजाफा करना है एनुअली या सेमी एनुअली, उनकी प्रमोशन कैसे करनी है और सब इनमें प्रॉफिटेबिलिटीज़ देखना, रिस्क देखना, इन सब में मैथमेटिक्स जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैथमेटिक्स बहुत इस्तेमाल होता है, इन सब में इस्तेमाल करना मैथमेटिक्स को हम बिजनेस मैथ कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में लाइनर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी कैलकुलस और लाइनर इक्वेशन जो है बिजनेस में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। वन बाय वन करके मैं आपको इसका ब्रीफली कॉन्सेप्ट देता हूँ। फर्स्ट जो है लाइनर प्रोग्रामिंग। लाइनर प्रोग्रामिंग इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन सॉल्विंग मैनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। जो लाइनर प्रोग्रामिंग है वो बहुत मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, लाइक प्रोडक्ट मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फैसिलिटी प्लानिंग, स्टाफिंग शेड्यूल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आगे जो है प्रोबेबिलिटी, अ क्वांटिटी मेजर ऑफ अ लाइकलीहुड ऑफ समथिंग अकर। प्रोबेबिलिटी जो है उसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटीज देखते हैं, फाइनेंशियल रिस्क देखते हैं, डिसीजन मेकिंग और इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस करते हैं। आगे है कैलकुलस। कैलकुलस के थ्रू हम मेजर द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट देखते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ओवर द लाइफ ऑफ अ लोन, मैक्सिमाइज ऑफ अ प्रॉफिट देखते हैं कितना हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कैलकुलस काम आता है। लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन में डिटरमाइन द प्राइस करते हैं, थ्रू लाइनर इक्वेशन के जरिए से हम डिटरमाइन प्राइसेस करते हैं। शो डिमांड कर्व, लाइनर इक्वेशन जो होती है उसके थ्रू हम डिमांड कर्व को देख के अंदाज़ा करते हैं डिमांड्स का, मार्केट में डिमांड क्या है, प्राइसेस क्या है और रिलेशनशिप बिटवीन करेंसीज, करेंसीज का रिलेशन भी देखते हैं लाइनर इक्वेशन के थ्रू। चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी लाइनर इक्वेशन के थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिजनेस मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।